समझे कोई ये प्यार क्या है, दिल को हुआ इस बार क्या है। रास्ता मेरा जुड़ता गया तेरी गली से, फिर दरमियां दीवार क्या है। भाई लड़की चाहे बेवा हो चाहे तलाक याफ्ता हो, अच्छे लड़के तो लड़कियों के नसीबों से ऐसे गायब हो गए जैसे गधे के सर पर से सींग। और फिर तुम्हारी दिलनशी तो तलाक याफ्ता भी है और कोई शक्ल की भी खास नहीं। माजदा सोच समझ के बोला करो, जो मुंह में आता है ना ऑल फॉल बोले चली जाती हूँ। अरे लड़के के करतूत ही ठीक नहीं थे। सच्चाई से चाहे जितना भी मुंह फेर लो ना अलग बात है, लेकिन हकीकत तो यही है ना। अच्छा तो मैं क्या अपनी बेटी को जहर दे के मार दूं? अब मैंने ऐसा भी नहीं बोला। तुम्हारे कहने का मतलब तो यही है। चलती हूँ भाई फिर मैं। हाँ तुम्हारे जाने में ही आफियत है। रंडवा चलेगा? तुमसे कितनी बार कहा है मैंने माजदा, ये रंडवे लंगड़े लूले, अरे इनके रिश्ते मत लेकर आया कर मेरी बेटी के लिए। सोच समझ लो, ऐसे रिश्तों की तुम्हें बस लाइन लगी हुई है, बाकी तुम्हारी मर्जी। चलती हूँ। खुदा हाफिज़। खुदा। अम्मा ध्यान कहाँ है तुम्हारा, पानी जाया हो रहा है। वो मैं कुछ सोच रही थी। अब ये भी मैं बताऊं, मुझसे तंग आ गई हो ना। क्या बक रही है तू? एक काम करो ना, जहर दो और मेरा किस्सा ही खत्म कर दो। देख पहले ही मेरा कलेजा फटने वाला हो रहा है, मजीद जलाने की कोशिश ना कर। क्या सोच के मेरा नाम दिलनशीन रखा है? दिलनशीन। बताओ बताओ ना अम्मा।
फफूंद का नाम गुलाब लिख देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फफूंद तो फफूंद है, हाथ लगाने से बदबू आती है। मेरा ये नाम रखने से पहले तुम मर क्यों नहीं गई? तुम्हें काम करो, मैं मेरा रिश्ता ढूंढने के बजाय ना तुम खुद का रिश्ता ढूंढो। बल्कि नहीं, तुम्हारा रिश्ता मैं ढूंढती हूँ, तुम खुद अपना रिश्ता ढूंढती भी अच्छी तो नहीं लगोगी ना? खुदा की कसम अम्मा, तुम्हारी तरह गोरी चमड़ी ही नहीं रोकूंगी। बल्कि लड़का बोलता चालता कैसे है, उसके खानदान वाले अदब अदाब सब कुछ देखूंगी। तो मेरी माँ का मामला ऐसे ही तो किसी के हाथ में तुम्हारा हाथ नहीं दूंगी ना। जैसे तुमने मुझे अपने सर से बोझ समझ के उतारा, देख लो अम्मा ये बोझ फिर तुम पे आ पड़ा। तुम्हारे सीने पे मूंग दल ने। चुप कर जाओ, चुप कर जाओ। दिलदेश, तुम्हारी बातों से मेरा दम घुटता है। मेरा जो दम घुटता है उसका क्या? तो क्या कह रहा हूं, ढूंढ रही हो ना तुम्हारे लिए रिश्ता? इधर मुझे देखो, मुझ में किस चीज की कमी है अम्मा? किस चीज की कमी? मेरे बाल, मेरी आंखें, मेरे होंठ, मेरे हाथ, किस चीज की कमी है? ऐसी क्या कमी है अम्मा जो पूरी दुनिया को नजर आते हैं सिवाय तुम्हारे और मेरे? बताओ ना मुझे, मुझे बताओ उस कमी के बारे में प्लीज। एक बार तलाक का धब्बा लग चुका है, मैं दोबारा ये धब्बा नहीं लगने दूंगी। मुझे मुझे सिर्फ इतना बता दो कि मैं किस चीज की कमी है। तो लोगों की परवाह मत कर दिलशी, मत कर परवाह। तो क्या करूं, तुम्हारी परवाह करूं? पागल तो नहीं हो गई है? हाँ, हो पागल। एक बार हो चुका है, अब नहीं, अपने अपने अरमानों का गला नहीं खोलूंगी। मेरी बात याद रखना, अपनी इज्जत का जनाजा जितनी जल्दी हो सके ना मेरे हाथों से निकलने से बचा ले, वरना मुझ पे गिला मत करो। दिलनशी, झूठ बोल रहे हो तुम। अरे तुम्हारी आंखें चुगली कर रही हैं। अच्छा बाबा सॉरी, मजाक कर रही थी। तुम जानते हो तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे मेरे होने का एहसास दिलाया, वरना मुझे तो खुद से नफरत हो गई थी। तुम जानते हो इस दिल ने फिर से ख्वाब देखना शुरू कर दिए, तुम्हें पाने की चाह बढ़ने लगी है। ये क्या हो रहा है, किससे बातें कर रही हो तुम? ये क्या किया है तुमने? तुमने तो मेरे ख्वाबों को खिच्ची खिच्ची कर दिया। खुश हो गई हो? हाँ, फिर से इन टूटे ख्वाबों को जोड़ना पड़ेगा।
इन्हें बेदाग करने के लिए जतन करने पड़ेंगे, बिल्कुल वैसे जैसे मेरी जिंदगी है। वैसे कितनी मिलती जुलती है ना हम लोगों की कहानी। पिछले आधे घंटे से बुत बनी बैठी हुई हो। अरे मुझे फोन करके क्यों बुलाया? क्या कहना चाहती हो बोलो साफ साफ। तबस्सुम? क्या कहना चाह रही हो? अरे तुमने उस दिन बताया था ना कि तुम्हारे पास ऐसे रिश्ते बहुत हैं। कैसे रिश्ते? मैं समझी नहीं। वो जाते जाते तुमने कहा था ना कि रणवीरों के रिश्ते हैं तुम्हारे पास। हाँ है। तो बताओ मुझे कौन है? अमीर ज्यादा है, लखपति, बल्कि यूं समझो करोड़पति। अरे तुम्हारी गुर्बत के दिन तो समझो खत्म हो गए। राज करेगी दिलनशी राज। और उसने अपनी पहली बीवी को तलाक क्यों दी? है मर गई बेचारी। पहले तो बच्चों की खुशी की खातिर उसने शादी नहीं की, मगर कब तक उनकी खुशी की खातिर अपनी खुशियों का गला घोटता रहेगा? मैं समझी नहीं। निकाल दिया बच्चों को बाहर। और अगर बच्चे वापस आ गए तो? अरे किस मुंह से वापस आएंगे, आग कर दिया उन्हें। अरे ये कैसा इंसान है, मासूम बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया फिर उन्हें आग भी कर दिया। काहे के मासूम, जवान जहान घोड़े थे और बीवियों ने तो वो नकेल डाल के रखी थी कि चू नहीं करते थे, फिर क्या करता बेचारा। क्या मतलब है माजदा, तुम होश में तो हो? तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि मैं अपनी जवान बेटी की शादी उस बूढ़े खूसट से कर दूं? अरे इससे तो अच्छा है कि मैं उसका गला घोट कर खुद ही मार दूं। तबस्सुम देख पागल मत बन, आज है कल नहीं। अरे बूढ़ा है ना तो समझ ले एक पांव उसका कब्र में है और दूसरा केले के छिलके पर है। जरा सी छींक आई कल स्वयं पड़ लेने, और फिर क्या दिलनशी राज करेगी, कर ले किसी जवान से शादी। नहीं नहीं माजदा, मैं इस सौदेबाजी पर हरगिज राजी नहीं होंगी। चाय पियो तो। अमीर ज्यादा है, लखपति, बल्कि यूं समझो करोड़पति। अरे तुम्हारी गुर्बत के दिन तो समझो खत्म हो गए। राज करेगी दिलनशी राज। और उसने अपनी पहली बीवी को तलाक क्यों दी? है मर गई बेचारी। पहले तो बच्चों की खुशी की खातिर उसने शादी नहीं की, मगर कब तक उनकी खुशी की खातिर अपनी खुशियों का गला घोटता रहेगा। मैं समझी नहीं। निकाल दिया बच्चों को बाहर। और अगर बच्चे वापस आ गए तो? अरे किस मुंह से वापस आएंगे, आग कर दिया उन्हें। अरे ये कैसा इंसान है, मासूम बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया फिर उन्हें आग भी कर दिया। काहे के मासूम, जवान जहान घोड़े थे और बीवियों ने तो वो नकेल डाल के रखी थी कि चू नहीं करते थे, फिर क्या करता बेचारा। क्या मतलब है माजदा, तुम होश में तो हो?
तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि मैं अपनी जवान बेटी की शादी उस बूढ़े खूसट से कर दूं? अरे इससे तो अच्छा है कि मैं उसका गला घोटकर खुद ही मार दूं। तबस्सुम देख पागल मत बन, आज है कल नहीं। बूढ़ा है ना तो समझ ले, एक पांव उसका कब्र में है और दूसरा केले के छिलके पर है। जरा सी छींक आई कल स्वयं पढ़ लेना, और फिर क्या, दिलनशी राज करेगी, कर ले किसी जवान से शादी। नहीं नहीं माजदा, मैं इस सौदेबाजी पर हरगिज राजी नहीं होंगी। मगर मैं करूंगी। अम्मा मेरी प्यारी अम्मा। कैसी है मेरी बेटी, तुम बताओ कैसी लग रही हो? बहुत खुश और बहुत प्यारी। तो फिर पूछा क्यों? तुम्हारी जबान से सुनना चाहती हो ना। अम्मा अच्छा बैठो अम्मा, पहले मुझे बताओ कैसी हो तुम? अम्मा मैं बहुत खुश हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है तुम खुश हो अपने घर में। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम। अम्मा बधाई लो, आपके दामाद आए हैं। कोई बात नहीं, कोई बात हुई है? मेरे लिए अम्मा क्या कह रही हूँ मैं आपसे, चुप के बैठी रहे। अब देखो अगर तुम्हारी अम्मा है तो रिश्ते में मेरी भी तो अम्मा हुई ना, और अम्माओं का बुरा नहीं मनाया जाता। लाहौल वाला कुवत इल्ला बिल्लाह। कोई बात बुरी लग रही? बिल्कुल। अम्मा उम्र में 20 साल या 15 साल मुझसे बड़े होंगे, आपा कह दे बाजी कह दे, ये अम्मा वो अम्मा की कोई स्टोरी नहीं है। हाँ। अरे कोई बात नहीं, मेरी बात से नाराज हो गए, कोई बात नहीं, आप ऐसा करें बैठ जाइए, बैठेंगी भी नहीं। देखे आप जैसा चाहेंगी वैसे ही होगा, आप फिक्र मत कीजिए। अब बेगम तुम ऐसा करना कि नाश्ते के बाद अम्मा को पूरा घर अच्छे तरीके से दिखा देना, ठीक है? असलम भाई नाश्ता लगाओ। अम्मा 10 साल बड़ा हो या 20 साल, अब तुम उसे अपना दामाद मान लो। नहीं भाई मुझसे नहीं होती है मुनाफ़त। सच तो ये अम्मा कि तुम अपनी बेटी की खुशियों से जलती हो भाई। तुमसे मेरी अमीरी नहीं देखी जाती ना, कैसी माँ हो? अपनी बेटी के नसीब से जलती हो? ज़बान को लगाम दो तुम दिलनशीन, तो फिर तुम्हें भी मुनाफ़त करनी होगी। पानी दी है मैंने, ये खेल मैं इतनी आसानी से तुम्हें खराब नहीं करने दूंगी। खेल? अरे दिलनशीन तुम तो इतनी लालची नहीं थी बेटा। अरे ये लालच नहीं है, ये तो जरूरत है। एक तो बुड्ढे की इनकम, ऊपर से दिन कम, इंसान को मजबूरी जो है वो ऐब बना देती है।
फिर अपने शिकार के मरने का इंतजार करो, सब्र करो। और तू तो जानती है ना अम्मा, सब्र का फल कितना मीठा होता है। तो बेटा फिर तुम्हें गिद्ध ही मिलेगा। तुम अपनी बेटी को बद्दुआ दे रही हो? बद्दुआ नहीं दे रही हूं, समझा रही हूं तुझे। जाओ यहां से। खुदा की कसम तुम्हारे मरने की भी किसी ने खबर दी ना, तब भी तुम्हारी शक्ल देखने नहीं आऊंगी। और आज के बाद तुम भी यहां पे ना आना, ना मेरी अच्छाई में और ना बुराई में। कसम है तुम्हें, चलो जाओ यहां से। भाई ये खांसी तो एक दिन मेरी जान ले लेगी। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मुझे इतनी मोहब्बत है अपनी जान से भी ज्यादा। हाँ अगर आपको कोई शक है तो आजमा के देख लीजिए। हाँ हाँ मुझे यकीन है, इसलिए तो तुम यहाँ पर मौजूद हो। मेरी जिंदगी में इसी मोहब्बत की कमी थी, वरना क्या कुछ नहीं है मेरे पास, सब कुछ तो है। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर मुझे मुकम्मल कर। मुकम्मल तो आपने मुझे किया है, आपका शुक्रिया। आपने तुमको मुझे अच्छा लगता। तुम ये रोज खाते हो? हाँ जानेमन। ये दवाइयाँ किस चीज की हैं? देखो ये जो है ये शुगर की है, ये ब्लड प्रेशर की है, और ये पेन किलर है। इतनी सारी दवाइयाँ मत खाया करो। लोग कहते हैं ये जो मेडिसिन होती है ना, इनके साइड इफेक्ट्स बहुत होते हैं। अरे जानेमन इनकी वजह से तो जिंदा हूँ। हाँ अच्छा अच्छा किया बता दिया, मैं तो ऐसे ही खुशफहमी में थी कि। अरे मेरा ये हरगिज मतलब नहीं था। रहने दो, इंसान को हकीकत तस्लीम कर लेनी चाहिए। अच्छा ठीक है, तो फिर आज से ये देखो ये सारी दवाइयां बंद, नहीं खाऊंगा। अरे नहीं मेरा मतलब ये नहीं है, अगर कुछ बाद में हो गया तो। मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे अब इन दवाइयों की जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारी मोहब्बत की, तुम्हारे सहारे की। वो हकीकत भी यही है कि मोहब्बत में बहुत ताकत होती है। सही कहा। वैसे हमारी शादी को कितना अरसा हो गया है? तुम्हें अचानक इस बात का ख्याल कैसे आ गया? मैं चाहती तो ये थी कि इस बात का ख्याल तुम्हें आए। मैं समझा नहीं।
मैं बच्चे की बात नहीं कर रही, तुम्हारी मजबूरी जानती हूँ मैं। क्या मतलब है इस बात का? मैं मेरा मतलब घुमाने फिराने से है। तो ये बात तुम सीधे तरीके से भी कर सकती थी? बोलती थी है। मेरी कमजोरी का मजाक उड़ाने के बाद? नहीं बाबा, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, आई एम सॉरी, अगर तुम्हें बुरा लगा है तो आई एम सॉरी। आइंदा एहतियात करूंगी इस चीज के लिए भी, ठीक है? अच्छा चलो जाओ, तैयार हो जाओ। अरे मुझे तो 2 मिनट लगेंगे तैयार होने में, तुम भी तो उठो ना, जाकर तैयार हो, या इसी गुलिये में जाने का इरादा है? हाँ मैं भी हो रहा था, तुम जाओ। आज से पहले ये शहर मुझे इतना हसीन कभी भी नहीं लगा जितना आज लगता है। मैं इस जज्बे को शायद समझ ही शायद। अच्छा भाई बताओ कहाँ जाना है, या इसी तरह शहर की सड़कों पे घूमते रहना? नहीं, हम लोग पहले जाएंगे सी व्यू, उसके बाद हम लोग जाएंगे चिड़ियाघर, और फिर हम जाएंगे बंस रोड आइसक्रीम खाने। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, बस। नहीं पहले मुझे बताओ हंस क्यों रहे हो? नहीं बस ऐसी तुम्हारी मासूम बातों पे हंसी आ रही है। अरे भाई नाराज बताओ, ठीक है तुम कहती हो सब तो समुद्र की तरफ चले जाते। मुझे नहीं जाना। नहीं, देखो नाराज बात हो, मुझे तो तुम्हारी मासूम बातों पे हंसी आ रही है। ठीक है तो फिर हम पहले आइसक्रीम खाएंगे, उसके बाद समंदर पे जाएंगे। बीमारी का बहाना तो नहीं करोगे ना? अरे नहीं, बीमारी अब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये भाई पहले आइसक्रीम वाली दुकान की तरफ ले लो। हाँ पता है कितने सालों के बाद मैं आइसक्रीम खा रहा हूँ। क्यों? तुम जो नहीं थी। पता मैं भी बहुत अरसे बाद खा रही हूँ, हम लोगों के पास तो पैसे ही नहीं होते थे ना। अरे मगर अब जब चाहो जो फ्लेवर खाना चाहो तुम खा सकते। ठीक है हम एक काम करते हैं ना, अभी ये खाएंगे, उसके बाद गोला गंडा, और फिर सीवियो। बिल्कुल बिल्कुल, यस यस। Thank you.
अरे तुम्हें तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। वो बॉक्स देना मेडिसिन का। ये लो, मैं पानी लाती हूँ। अब सुनो, आज के बाद ना दवाई ना खाने के बड़े बड़े दावे मत करना। ये क्या किया है? मोहब्बत के यकीन की आजमाइश का वक्त आन पहुंचा है। तुम ऐसा नहीं कर सकते। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? अब मुझे इनकी जरूरत नहीं है, मुझे कुछ नहीं होगा। ला। हाँ। लड़कपन और बुढ़ापे की मोहब्बत में एक चीज तो कॉमन है, इन्हें बेवकूफ बनाने के लिए ज्यादा जतन नहीं करने पड़ते। देखिए पेशेंट की कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, इनका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई है और ब्लड प्रेशर आउट ऑफ कंट्रोल है, अगले 48 घंटे बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। मतलब मैं समझी नहीं। हमारा काम कोशिश करना है, वो हम कर रहे हैं, बाकी अल्लाह की मर्जी, आप दुआ कीजिएगा। अगले 48 घंटे बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हैं। हमारा काम कोशिश करना है, वो हम कर रहे हैं, बाकी अल्लाह की मर्जी। मैं अब अमीर हो गई, कि जो कुछ भी है सबकी वारिस में खुद हूं। जिन चीजों के पहले मैं ख्वाब देखती थी, वो सारी की सारी चीजें मेरे कदमों के नीचे। मैं हर ख्वाब पूरा करूंगी बिना। यहां जो कुछ भी है वो मेरे। मेरी मेहनत रंग ले आई है, अब मैं अमीर हो गई, सारी की सारी चीज मेरे कदम।
से इतनी मोहब्बत है? अपनी जान से भी ज्यादा। वाकई? हाँ, अगर आपको कोई शक है तो आजमा के देख लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर मुझे मुकम्मल करने। मुकम्मल तो आपने मुझे किया है, आपका शुक्रिया। कजा किसकी है, किसके नाम है, किसी को नहीं मालूम। बेशक बन गई है जिंदगी ढेर खाक का। कुछ लोग अपनी ख्वाहिशात और आरजुओं की पैरवी में इतने आगे निकल जाते हैं कि दूसरों को सिर्फ अपनी मुफाद के लिए इस्तेमाल करने लगते हैं। उनकी खुदगर्जी और लालच ने उन्हें इंसानियत और एहतराम की बुनियादों से दूर कर दिया है। उनकी गफलत में उनको ये बात समझ नहीं आती कि जो कुछ खुदा ने उनके मुकद्दर में लिखा है वही हासिल होगा जिसे दूसरों का इस्तेमाल करके नहीं बल्कि दूसरों की कदर और खुदा की शुक्रगुजारी से बेहतर बनाया जा सकता है। क्योंकि मैं ग्रीन हूं।